जब हम भी गिरफ्तार हुए हैं तो पूरा उसका साम्राज्य खुशी मना रहा था। अच्छा। तो कुछ पल के लिए हमने भी मना लिया, कोई अगर गुनाह है। डिफेंडर से कितना खुश हैं? डिफेंडर गाड़ी से एकदम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उनकी पत्नी डिफेंडर चला रही थी। अच्छा। क्योंकि ये भी एक मैं अपने आप में आप तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मतलब हम क्या बताएं उसको, किस चीज़ से तुलना करें। गिरफ्तारी के समय वीडियो आप देखे थे या नहीं देखे थे? हाँ। कितने लोग नाचा था उसका पूरा साम्राज्य नाचा था कि नहीं? तो यार हम खुशी मना लेते कौन सा, दुश्मन हमारे बर्बादी पे खुश तो हम भी दुश्मन के बर्बादी पे खुश। और खेसारी लाल यादव को मैं विरोध करता ना तो इसे 15 एपिसोड अभी तक ट्रोलिंग मिला दे, डिप्रेशन में डाल हूँ। खेसारी लाल यादव ने खुद से गलती किया है, उन्होंने खुद से भूल गया कि हम किसी से पैसा लिए हैं, हमने हमको सामने वाले को गाना। आप सभी को पता है कि खेसारी लाल अब 3 साल गाना नहीं गाएंगे। ग्लोबल म्यूजिक की तरफ से उनके ऊपर केस किया गया है और ये दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अब खेसारी लाल 2025 तक किसी भी कंपनी के लिए गाना नहीं गाएंगे, सिर्फ गाएंगे तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए। और अगर भोजपुरी की बात हो और उसमें मगहिया जवान ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब खेसारी के ऊपर मुसीबत आई थी तो मगहिया जवान ने एक वीडियो बनाया था कि जो हुआ है खेसारी के साथ बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे साथ अभी मगहिया जवान से गौतम सिंह है, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। हे टू जेड देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। जब हम भी गिरफ्तार हुए हैं तो पूरा उसका साम्राज्य खुशी मना रहा था। अच्छा। तो कुछ पल के लिए हमने भी मना लिया, कोई अगर गुनाह है तो कहिए। सब ऐसा कहा जा रहा है कि भोजपुरी में सबके साथ ऐसी मुसीबत आती है, ऐसे थोड़ी ना कि खेसारी लाल के साथ पहला मुसीबत ऐसा है। लेकिन आप तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मतलब हम क्या बताएं उसको, किस चीज़ से तुलना करें। गिरफ्तारी के समय वीडियो आप देखे थे या नहीं देखे थे? आपके गिरफ्तारी का वीडियो हमने खुद कवर किया था, फर्स्ट कवर करने वाला हम ही थे। हाँ आप थे। कितने लोग नाचा था उसका पूरा साम्राज्य नाचा था कि नहीं? तो यार हम खुशी मना लेते कौन सा, जब दुश्मन हमारे बर्बादी पे खुश तो हम भी दुश्मन के बर्बादी पे खुश। अच्छा चलिए, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, पहले आप विरोध कर रहे थे, कुछ दिनों के बाद लिखते हैं कि आई सपोर्ट खेसारी लाल, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए जब चीज़ों को आप समझिएगा ए टू जेड वाले भाई साहब, जब चीज़ों को आप समझिएगा, जानिएगा, परखिएगा, तब आपको समझ में आया कि नहीं शख्स गलत नहीं है। लोग हमें भी कहता था, इंडस्ट्री पूरा कहता था, जब इंडस्ट्री को समझ में आया तो लगा कि नहीं ये हमारे लिए बंदा काम कर रहा है भले कहीं का रहने वाला हो। तो आज ऑडियो एक वायरल है खेसारी लाल यादव का, भले ऑडियो वायरल है, उसमें वो कह रहे हैं तो उस पर बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं। यार उस ऑडियो में कोई गलत तो नहीं है, हमें आप पे विश्वास नहीं है तो हम काहे कह देंगे कि कोई आपको पैसा भेज दे, जब आ रहे हैं आप औरंगाबाद से पैसा लेते आइएगा, विश्वास है नहीं, हम जान रहे हैं कि उधर घुर जाएगा आदमी, हमारा पास ऐबे नहीं करेगा। तो उन्होंने तो इतना भी कहा ना कि हम बीबी को भी मत हमारा देना, तो डील कैंसिल कर देंगे। अच्छा अच्छा, हम ऑडियो वायरल में सुने हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक आ रहा है कि लगातार एक आदमी बयान दे रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहे हैं कि खेसारी लाल को बर्बाद करने में खेसारी लाल की टीम का पूरा हाथ है। अगर टीम का हाथ है वहाँ तक हमने नहीं, शायद ऐसे 10 चैनल वालों ने किया आपको रोस्ट उस वीडियो पे, मैंने भी किया, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब खेसारी लाल यादव ने कहा कि हमारा टीम ऐसा नहीं है तो लोगों को अब चुप हो जाना चाहिए। अच्छा है ना, अब नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं खेसारी लाल, आपके घर में चोरी हुआ है और आपको इतराज नहीं है, आपके घर में बर्बादी हुआ है आपको इतराज नहीं है, अगर आपका गाँव वाला चिल्ला रहा है तो चूतिया है। चलिए अब नहीं चिल्लाना चाहिए जो खेसारी लाल यादव ने इस बातों से कितना सहमत हैं कि खेसारी लाल जी लाइव आते हैं या अखिलेश कश्यप ये कहते हैं कि खेसारी लाल जी अब लाइव आ गए हैं और खेसारी लाल जी क्लियर कर दिए कि हमारे मैनेजर और ये जो भी हो उनके टीम में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और उसके दूसरे दिन उनका एक ऑडियो वायरल होता है कि हम जो भी पैसा का डील होगा अगर किसी भी कंपनी से डील होगा तो उस वो पैसा जो है हमारे अकाउंट में सीधा आना चाहिए, जो भी ऑडियो वायरल चल रहा है, तो इसमें कितना सच्चाई है कि एक तरफ खेसारी लाल जी ये कहते हैं कि हमारे टीम की तरफ से कोई गलती नहीं है, हमारी टीम हमको आगे लेके जाना चाहती है, दूसरी तरफ उनकी ऑडियो वायरल होती है कि हमें टीम पर पूरा भरोसा नहीं है, अब जो भी पैसा हमारे खाते में आना चाहिए। पैसे की जब बात हो ना बॉस तो बाप बाप से रिश्ता खराब हो जाता है, पता है ना। उन्होंने साफ कहा लाइव में या उस ऑडियो में साफ कहा है कि मैं ऐसा हूं ना कि अपने मैनेजर को, अपने राइटर को, सबको पैसा देता हूं। अच्छा। तो बाद में पैसा काहे का भाई। अच्छा। काम हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, आपका सैलरी फिक्स करके हम रखे हैं। अच्छा। तो फिर और ऊपरी क्या चाहिए। अच्छा। तो इसलिए देना तो हमरे देना। हाँ। कहीं कोई एंगल से वो गलत ऑडियो में नहीं है, लोग मूर्खता में ट्रॉल कर दे। अरे खेसारी लाल यादव को मैं विरोध करता ना तो इसे 15 एपिसोड अभी तक ट्रोलिंग मिला दे, डिप्रेशन में डाल देता बॉस। लेकिन मैं जज किया उस पर, आज तक मैं गलत चीज़ों पर टिप्पणियाँ करना सीखा ही नहीं और चाहा ही नहीं, समझे। कहीं ना कहीं खेसारी लाल सही है अभी, बिल्कुल सही है वो। अच्छा ये जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में फंसे हैं किसके कारण फंसे?
कारण यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करते, अपने ही गलती से फंसे हैं वो। काहे उनकी टीम में जो लोग हैं यार, आप राइटर को गाना दे रहे हैं, आप गाना मैनेजर की कंपनी को दे रहे हैं, आप गाना औरों कंपनी को दे रहे हैं, तो आप भूल गए का वो डिफेंडर और घर बनाने वाले कहानियाँ जो माल आया था, भूलना नहीं ना चाहिए। नहीं, डिफेंडर और माल आने की बात जहाँ तक आ रही थी, जब जिस समय ये अग्रीमेंट किए थे, मैं कह रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव ने खुद से गलती किया है, उन्होंने खुद से भूल गया कि हम किसी से पैसा लिए हैं, हमने हमको सामने वाले को गाना देना है, तो गलती उनकी खुद से हुई। अच्छा, हाँ, टीम की गलती इतना है कि उन्होंने भी याद नहीं दिलाया, याद दिलाना चाहिए था। अच्छा, जिस समय एग्रीमेंट हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस समय एग्रीमेंट हुआ था, खेसारी लाल जी पढ़े लिखे नहीं, आपको पता है, खुद से बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई तो अगर ऐसा नहीं है कि हम रवि किशन की बात मनोज तिवारी की नहीं कर रहे हैं, बाकी आजकल के सब कलाकार जाहिले हैं, मैट्रिक किस दिन के पास कर गया होगा, खेसारी लाल यादव नहीं, कोई भी कह रहे हैं वो ज्यादा है। जैसा कि खेसारी लाल जी ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, साफ सुथरा शब्दों में कह देते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका जो एग्रीमेंट पेपर होता है इंग्लिश में रहता है, तो आखिर एग्रीमेंट पेपर पे साइन कैसे कर देते हैं वो बिना पढ़े लिखे? देखिए, विश्वास, कल लाइव में कह रहे थे कि विश्वास फेथ था, बहुत बढ़िया संबंध था हमारा, तो हम बिहारी हैं और बिहार के लोगों का दिल ऐसा होता है कि इतना एग्रीमेंट वग्रीमेंट पर विश्वास नहीं करता है, लोग कर दिए, वही कहानी हुआ जो सच था वो लाइव में बता दिए हैं खेसारी लाल यादव के। कहीं ना कहीं एक सवाल आता है सभी के टीमों पे, बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे पवन सिंह, खेसारी पवन सिंह के टीम पे आता है मैसेज कि पवन सिंह के टीम पवन सिंह का घर नहीं बसने दे रहे हैं, खेसारी लाल का टीम खेसारी को बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, टीम की जहाँ तक बात है तो अब टीम है और टीम ही पवन या खेसारी हो, यहाँ तक टीमें लाया है, और किसी छोटी सी घटना के लिए अगर टीम को कोई कोस रहा है तो फिर गलत है। अच्छा, इस दावे के साथ कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि खेसारी लाल की टीम ने खेसारी लाल को बर्बाद कर दिया, रोड पे ला दिया है। देखिए, दावे के साथ मैं भी कह सकता हूँ, आपको अच्छी टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन आपको बात है कि दलाली कोई खाया है 25 लाख रुपए, ऐसा कह रहा है, खबर बन रहा है 25 लाख ना, तो भैया दलाली अगर खाया है तो दलाली का कोई सबूत और एग्रीमेंट होता है क्या? ब्लैक मनी का कोई सबूत एग्रीमेंट होता है? तो बस हम और आप चिल्ला सकते हैं, उसका कोई सबूत दे नहीं सकता। जानना चाहेंगे, राजीव शर्मा खेसारी लाल के एक टीम का हनुमान कहे जाते थे, ठीक ना, आज उनको टीम से निकाल दिया गया है, आरोप ये भी लगा है कि वो 40-50 कंपनियों से पैसा ले लिए हैं और वो पैसा खेसारी लाल तक नहीं पहुंचा है, राजीव शर्मा के बारे में आप जानते हैं, भोली भांति जानते हैं? देखिए, जानते हैं, और शख्स ऐसा नहीं है, खेसारी लाल यादव की टीम में जब वो नहीं थे फिर भी हमारा राजीव शर्मा से बात होता था, और जब टीम में रहे हमारे साथ उन गिरफ्तारी में भी काफी फेमस हुए वो, है ना, शायद खेसारी लाल यादव की गिरफ्तारी कराने वाले राजीव शर्मा ही थे, पूरा का पूरा श्रेय लिए हुए, शायद खेसारी लाल यादव के साथ रहने में फेमस नहीं, मगर जो गिरफ्तार करने में वो बंदा सबसे ज्यादा फेमस हुआ, सही बात, वहीं से उसका पिक किया है ना, तो वो बंदा देखिए क्या है यार, कि जैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं और लाइव और लोगों से पता करते हैं, अब क्या है कि जब तक आपको कहीं इज्जत नहीं मिले तो वहाँ से निकल जाना में फ़ायदा है, है ना, म्यूज़िक कंपनी लाया, अब तक खेसारी लाल यादव ने हर किसी को गाना दिया, उसको गाना नहीं दिया, बुरा लगा होगा बंदा को, निकल गया, लाइव तो कल खेसारी लाल यादव के लिए आया था, वो देखे थे उसके पेज पर, तो ऐसा नहीं है कि संबंध खराब है, काम करना है यार, राजीव कंपनी में आज उस कंपनी में जहां हमको इज्जत मिला वहां हम काम करेंगे। राजीव शर्मा के लिए इतना प्यार क्यों, जबकि आपको पूरा भली भांति पता है कि राजीव शर्मा आपको पकड़वाने में या छत्तीसगढ़ से उठवाने में पूरा पूरा योगदान राजीव शर्मा के लिए है, राजीव शर्मा ने किया था, लेकिन आज आप राजीव शर्मा के सपोर्ट में आकर कह रहे हैं कि इनका फिल्म गाने का प्रमोशन कर दीजिए। बताते हैं अगर राजीव शर्मा के अगर उस जगह पे हमारी बर्बादी में आपको कुछ बेनिफिट मिले, आपको कुछ फ़ायदा मिले तो आप खुश हो जाइए, हम ऐसे शख्स नहीं ना हैं, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत। अच्छा। और हम लोगों का कर्म रहा है, हमारे पूर्वज बाबा दादा परदादा सबका कर्म रहा है कि आपके छत्र में छत्र छाया में या आपसे जो उम्मीद करे उसको ठेस मत पहुंचाइए। बंदा ये उम्मीद किया है, हमको लग रहा है कि आज उसका समर्थन सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, तो हमको करना चाहिए, कर दे रहे हैं शायद हमारी पिछली बातों को भूल गए, बिल्कुल हमारी बातों से शायद उसको कुछ भला हो जाए। अब जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है बॉस तो बातों की इग्नोर करना सीखिए, लेकिन खेसारी लाल यादव इस चीज़ को नहीं करते हैं, दिल में रखते हैं, कल लाइव में कहीं ना कहीं एक दो जगह से बदबू आ रहा था उनका, कह रहे थे कि हमको पता है कि हम गनवा नहीं गाएंगे तो केकरा फायदा होगा और कौन ये सब करवा रहा है, हाँ। पुराना खेल समझ रहे हैं ना, हाँ, समझ रहे तूल देना चाह रहे हैं वो बॉस। यही बात मैं कहना चाह रहा था आपसे, एक सवाल मेरा बचा ही था कि बार बार खेसारी लाल जी लाइव आते हैं और कहते हैं कि ये जो विवाद, ये जो मैटर है ग्लोबल म्यूजिक के साथ वाला, ये कौन करवा रहा है, मुझे सभी सब पता है, इससे पिछले जब विवाद हुआ था उसमें साफ तौर पर आया था कि हो सकता है पवन सिंह करवा रहे हैं।
सब देखिए लोग मूर्ख है, हम तो यही कहेंगे। देखने वाले देखिए, और आपको खुद भी पता है कि सोशल मीडिया पे 10% ऑडियंस वेल एडुकेटेड है, बिल 90% जाहिल गवार मूर्ख है, समझ में नहीं आता है। अगर यार आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है तो कल जो लखनऊ के अवार्ड शो में सब खड़ा हुए थे, भाई भाई मौसा फुफेरा भाई, जब जो सब संबंध जुड़ा था, आज खेसारी लाल यादव के साथ उतना लोगों को खड़ा होता तो लगता है कि गुंडाई कर लेता ग्लोबल म्यूजिक वाला? नहीं, उसको गाना गाना है, कंपनी में काम करना है कि नहीं करना है, करना है। सब लोग बाइकॉट कर देता तो खेसारी लाल का मामला हल हो जाता ना, लेकिन कोई नहीं चाह रहा। मजा हमसे भी ज्यादा लोग ले रहा है बॉस। क्या जो आरोप लग रहा है कि खेसारी लाल जी ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि कौन इस ग्लोबल म्यूजिक के पीछे है, उस पर क्या कहना चाहिए? इस बात पर हम विरोध करें खेसारी लाल यादव को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये उनकी मूर्खता है और गेम में फिर लंबे फंसे रह जाएंगे वो। कहीं ना कहीं फिर से मुसीबत में अपना काम निकलना चाहिए चाचा भैया कह के, यही में भलाई है। कहीं ना कहीं फिर से वो विवाद खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है यार। आप किसी एक काम के लिए, हमको जाना है मुंबई और टूर पे मुंबई है तो लुधियाना के हम चर्चा करेंगे, मुंबई की नहीं चर्चा करेंगे मुंबई है तो आप जिस विवाद में है उस विवाद की चर्चा कीजिए ना। आप फिर मामला को दूसरे एंगल में कहा ले जाने पर लगे, हमारा नहीं रोस्टर रहता पेल के रील बना देता लेकिन हम सोच रहे हटाओ, मुश्किल में आदमी है यार। चलिए अंत में, आप खेसारी लाल के सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं अभी? इस मुद्दे में हम सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे में अभी जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ में हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले को भी गाना ये दिए हैं, लेकिन गलती हुई है, गलती तो हर इंसान से होता है यार, एक मौका ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले को देना चाहिए। उससे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले ने भी आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए हम खेसारी लाल को दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं, तब तो इतना बड़ा, खेसारी लाल तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं तो इतना फिर तुल का है, नहीं लिए के कोई ये है जी, अगर नहीं लिए हैं तो नहीं लिए हैं, बारी होंगे वो। अच्छा, केस ऐसा चीज़ है, गलत रही है झूठ, केस तो झूठे ना होता है जी, बनावटी ना होता है, फंस गए तो झेलना पड़ेगा ना। अब आप बिल लीजिए, गाना गाइए कल से। अच्छा, गलत नहीं है तो नहीं लिए हैं तो। बेल का तो सवाल ही नहीं उठता है, जब तक वो पासपोर्ट नहीं देते हैं तब तक तो एग्रीमेंट कहाँ से वायरल हुआ, खेसारी लाल यादव को बोलने से ना होगा, यानी आप कोर्ट को भी गलत ठहरा रहे हैं। नहीं नहीं, वो कोर्ट को नहीं, उनका अपना राय है, अब उनको मिला ही नहीं है 5 करोड़। नहीं नहीं, आप उनको 5 करोड़ मिला ही नहीं है, कैसे कह देंगे कि हम हमारा केस कर दीजिए तो आप जाके 1 लाख रुपए मंगाइए जान के दिए हुए हैं, कौन स्वीकार लेगा? कुछ साक्ष्य चाहिए ना जी। कुछ देर के लिए आप फंसिएगा। कैसे फंस जाएंगे कुछ देर के लिए? कैसे फंस जाएंगे? कैसे फंस जाएंगे? कैसे फंस जाएंगे? आपका FIR आंख बंद करके प्रशासन ले लेगा, प्रशासन पे कहीं ना कहीं ये अपमान है प्रशासन को। प्रशासन वहाँ पे साक्ष्य देखती है कि मगहिया जवान को भाया आप गूगल पे फोन पे इंटरनेट बैंकिंग कैश कैसे दिए। अच्छा, तब FIR आपका दर्ज होगा, उसने प्रूफ दिखाया होगा, एग्रीमेंट पे साइन दिखाया होगा खेसारी लाल यादव का। चलिए, ये थे हमारे साथ मगहिया जवान, और कहीं ना कहीं कभी कभी खेसारी लाल का विरोध करते हैं, कभी कभी सपोर्ट करते हैं। गंदे लोगों गंदे चीज़ों के लिए विरोध आजीवन जारी रहेगा, मतलब करने का मतलब गाने के लिए। आपको भली भांति पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रोस्टर ऑफ भोजपुरी है ना मगहिया जवान, तो गलत चीज़ों के लिए सुदृढ़ करने के लिए भाषा को संगीत को हम आजीवन लड़ेंगे। बाकी यार खेसारी लाल यादव रहेंगे, पवन सिंह रहेंगे, कलाकार रहेगा तबे ना हम रोस्ट करेंगे। सही बात, यही लोग ना रहेगा तो घंटा किसको रोस्ट करेंगे। चलिए, आप खेसारी लाल डिफेंडर से कितना खुश हैं? डिफेंडर गाड़ी से एकदम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उनकी पत्नी डिफेंडर चला रही थी। अच्छा, क्योंकि ये भी एक में अपने आप में हिस्ट्री है। अच्छा, चाहे मनोज तिवारी की वाइफ हो, चाहे आपका ये अपना रवि किशन जी की वाइफ हो, पवन सिंह की वाइफ हो। पवन सिंह तो वाइफ नहीं है, वाइफ नहीं है, नहीं कह दीजिए, अभी नहीं है, अभी नहीं ना, अभी तो नहीं है। चाहे जब रही हो, चाहे आप राकेश मिश्रा की हो, गुंजन सिंह की हो, जितने लोगों की वाइफ है, किसी की वाइफ को आप नहीं देखे होंगे कार चलाते, वो भी इतनी महंगी गाड़ी चलाते, 1 करोड़ की गाड़ी यार, कल तक लिट्टी में चोखा भरने वाली और लिट्टी में सतुआ भरने वाली, आज 2.5 करोड़ की गाड़ी बैठ कर ड्राइव कर रही है, तो प्राउड की बात है यार, एक खुशी का मोमेंट है, समझे कि नहीं। चलिए, भोजपुरी के लिए कुछ ना कुछ किया है उन्होंने। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। जब ट्रेंड करता है कोको कोला है गाना, जब पूरा ग्लोबल में स्टार रहते हैं तो कहने के भोजपुरी का नाम बढ़ रहा होता है। हम ऐसे जरा भी नहीं कह देंगे, जितना भोजपुरी को बदनाम करने में खेसारी लाल यादव को जाना जाता है, उतना ही आगे बढ़ाने में भी जाना जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ कह सकते हैं हम कि एकदम सिर्फ बढ़ाया ही है, नाम को मिट्टी में यही लोगों ने मिलाया है। आपके घर को या तो आप बर्बाद कर सकते हैं या तो आप उसको उठा सकते हैं, तो इनका घर है भोजपुरी, भोजपुरी वालों ने ही भोजपुरी को बढ़ाया है और बर्बाद भी यही लोगों ने किया है, हमारी आपकी क्या हैसियत। चलिए, भोजपुरी के लिए लास्ट में 2 शब्द कह दीजिए, क्योंकि भोजपुरी यही कहना चाहेंगे कि दिखावा ना करें भोजपुरी वाले, जितने जो 2 कौड़ी के हैं यही कहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे विवाद खड़ा हो जाएगा, है ना।
जिस कार्य के लिए आप पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, उस कार्य को कीजिए। अश्लीलता फुहड़ता को मद्देनजर रखते हुए और दिखावा करते हैं, लोगों को चूतिया बनाते हैं। अब लाइव अवार्ड शो में कि हम सब भोजपुरी के भाई भाई हैं, साथ मिलकर खींचना चाहिए। तो एक अभी दुगले किस्म का इंसान सनी पांडे को भी खींच रहा था, समझे कि नहीं? तो खींचना नहीं चाहिए। आप इग्नोर कीजिए चीज़ों को और आगे बढ़िए और आगे लोगों को बढ़ने दीजिए, नहीं तो मुसीबत ऐसे ही आएगा सब पे। क्योंकि लय की जद में घर तो वहाँ पे मकान आपका भी होगा, यहाँ खाली हमरे थोड़े हैं। अगर काम कर रहे हैं तो उसमें सबकी मौका आना है, तो सबको मिलकर खड़ा होइए। और खेसारी लाल यादव लगता है कि गलत है तो मौन ऐसे ही धारण किए रहिए, और लगता है आपको कि सही है तो इनके साथ खड़ा होइए, सपोर्ट करिए। बिल्कुल, आप सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।